वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सबसे पहले तो मैं इमाम अहमद रजा मोमिन के तमाम अराकीन और इस तंजीम के जितने भी माविनीन हैं या इसके ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, सबको आज के जलसे की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही इंतहाई खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हकीर को इस लायक समझा कि किसी एजाज से नवाजा जाए। यह अलग बात है कि मैं अपने आप को उस लायक समझता नहीं हूं, आदमी को अपनी हैसियत को पता होती है, मालूम होती है, लेकिन बहरहाल ये मुहिबाने हमारे मुहिबीन हैं या वो मुखलिसीन हजरात है जो अहले सुन्नत के लिए जो भी अपनी खिदमात पेश करते हैं उनको अवार्ड की शक्ल में नवाजते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, मैं उनका नहायत ही ममनून और मशकूर हूं और साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूं कि खालिक कायनात जो उन्होंने मुझे समझा, हालांकि मैं हूं नहीं, रब तबारक व ताला उनके गुमान को दुरुस्त साबित फरमाए। और साथ ही दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तंजीम के तमाम अराकीन से इसी तरह दीन और सुन्नियत का काम लेता रहे, अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया की बेहतरियां अता फरमाए। साथ ही इस वक्त मस्नद रसूल पर जितने उलमा अहले सुन्नत रौनक अफरोज है, जलवा अफरोज है, उन सबका भी नहायत ही ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ घड़ियां आज के जलसे के लिए अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में इल्म में रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। वक्त की ताखीर के लिए सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूं।